ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल में, आयुष राठी। तो यार, हम लोग एपिसोड नंबर 8 में पहुंच गए हमारे सिंगल करेक्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस के। ठीक है, इसके पहले 7 एपिसोड्स हो चुके हैं, एपिसोड नंबर 8 है। ऐसे ही एपिसोड्स लाइन से आते रहेंगे। आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट के अंदर में प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे यार आप, और प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको ये सारे एपिसोड्स लाइन से मिलेंगे। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप प्लेलिस्ट चेक करो ताकि आप लाइन से सारे वीडियोस को ढंग से देख पाओ। क्लियर है क्या? अभी हम लोग बात करते हैं इस क्वेश्चन में। जगलर मेंटेन्स 4 बॉल्स इन मोशन। एक जगलर है, मेंटेन कर रहा है कितना बॉल, 4 बॉल को मेंटेन कर रहा है। ठीक है, 4 बॉल को मेंटेन कर रहा है। जगलिंग कैसे होती है आपको पता है ना, इस तरीके से जगलिंग होती रहती है, एक फेंका दूसरा फेंका, इस तरीके से जगलिंग होती रहती है, ये एक फेंका, इस तरीके से जगलिंग होती रहती है। ठीक है ना, अब क्या कर रहा है वो, 4 बॉल फेंक रहा है, 4 बॉल को फेंक रहा है, 4 बॉल को लेके जगल कर रहा है। ठीक है, मेकिंग ईच ऑफ देम टू राइज अ हाइट ऑफ 20 मीटर, मेकिंग ईच ऑफ देम टू राइज अ हाइट ऑफ 20 मीटर। तो ये जो मैं चौक से जगल कर रहा था, तो एक एक चौक जो है वो 20 मीटर जा रही है, और ऐसे 4 चौक 4 बॉल को लेके वो जगलिंग कर रहा है फ्रॉम हिज हैंड। ठीक है, 20 मीटर फ्रॉम हिज हैंड वो ऊपर जा रहा है, चौक जहां फेंक रहा हूं वहां से 20 मीटर तक ऊपर जा रहा है। व्हाट टाइम इंटरवल शुड ही मेंटेन, व्हाट टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल को मेंटेन करेगा। ठीक है, फॉर द प्रॉपर डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब कि टाइम इंटरवल क्या होगा, एक चौक फेंका, एक बॉल फेंका और दूसरा फेंका, उन दोनों के बीच में टाइम इंटरवल क्या होगा। मतलब कि 4 फेंक रहा है वो, तो एक फेंका, उसके कुछ टाइम बाद दूसरा फेंकेगा ना, तो वो बीच का टाइमिंग क्या होगा ताकि उन सबके बीच में एक प्रॉपर इक्वल डिस्टेंस मेंटेन हो। ठीक है क्या, एक प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन हो, मतलब एक सिमेट्री मेंटेन हो, इक्वल डिस्टेंस बोलना गलत रहेगा, एक सिमेट्री मेंटेन हो कि चारों के बीच में जो टाइम इंटरवल है वो सेम हो। ठीक है, नॉट इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस बट इन टर्म्स ऑफ टाइम। ठीक है, एक सिमेट्री मेंटेन हो। ठीक है, अब क्या है देखो, सबसे पहले तो डेटा निकाल लो, हाइट कितना है 20 मीटर, मतलब कि आप यहां से किसी को फेंक रहे हो, यहां से किसी को आप इनिशियल वेलोसिटी u से फेंक रहे हो और वो 20 मीटर हाइट तक जा रहा है। 20 मीटर हाइट तक जाने का मतलब क्या है कि वो 20 तक पहुंच के उसकी स्पीड क्या हो जा रही है, जीरो हो जा रही है। ठीक है, ऊपर जाके जीरो हो जा रहा है, तो ऊपर पहुंचते ही जीरो हो जा रहा है, तो वी कितना हो जा रहा है, वी इक्वल टू जीरो हो जा रहा है। यहां से आप वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 एस लगाओगे, तो वी स्क्वायर जीरो, यू स्क्वायर लगाओगे आप, तो आपको मिलेगा यू स्क्वायर माइनस 2 एस होगा, माइनस 2 इंटू धरती का प्रकोप 10 इंटू एस होगा 20। यहां पे माइनस साइन क्यों लिया है, क्योंकि वेलोसिटी ऊपर की तरफ है और धरती का प्रकोप नीचे की तरफ है, इसका मतलब माइनस जी होगा, जी की जगह माइनस जी लेंगे, तो इसलिए माइनस साइन यहां पर आया है। तो यहां पर सॉल्व करके क्या होगा, आपको यू स्क्वायर मिल जाएगा 2 to 400 और यहां से आपको यू मिल जाएगा 20। क्लियर है क्या, U मिल जाएगा 20। ठीक है ना, हाँ U मिल जाएगा आपको 20। इसका मतलब 20 के स्पीड से अगर आप फेंकोगे तो ये ऊपर पहुंचेगा, 20 के स्पीड से फेंकोगे तो ये ऊपर पहुंचेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं टाइम की, भाई एक बॉल के मोशन का टाइम कितना है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में फॉर्मूला होता है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट का 2u sin theta by g, उस फॉर्मूले को यूज कर लेते हैं, sin theta की जगह 1 पुट कर लेंगे, theta को 90 डिग्री पुट कर लेंगे। भाई एक प्रोजेक्टाइल मोशन इस तरीके का होता है ना, theta एंगल से, तो theta को 90 कर लेंगे तो ये वाला मोशन हो गया ना, परपेंडिकुलरली ऊपर फेंकने वाला, तो sin 91 हो गया, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया 2u by g, तो 2 इंटू यू की जगह 20 बाय जी की जगह 10, तो ये कितना आ गया 4। इसका मतलब एक चौक के मोशन का है टाइम 4, और टोटल कितने चौक से मैं जगलिंग कर रहा हूं, 4 से, तो हर एक के बीच में कितना गैप होगा एक एक सेकंड का, तो फाइनल आंसर क्या होगा 1 सेकंड। क्लियर है क्या, क्लियर है कि नहीं, समझने का ट्राई करो यार। एक फेंका, एक चौक फेंका, अब वो हवा में चौक, एक फेंकने के एक सेकंड बाद दूसरा फेंका, फिर और एक सेकंड बाद दूसरा फेंका, फिर और एक सेकंड बाद और एक फेंका, मतलब एक जब हवा में, एक हवा में, एक सेकंड बाद मैंने दूसरा फेंका, और एक सेकंड बाद, मतलब कि 2 सेकंड बाद मैंने तीसरा फेंका, और 3 सेकंड बाद मैंने चौथा फेंका। ठीक है, अब उसके 1 सेकंड बाद जो सबसे पहले फेंका था वो नीचे आ गया, 4 सेकंड कंप्लीट हुआ ना, एक फेंका, उसके बाद 1 सेकंड बाद दूसरा फेंका, 2 सेकंड बाद तीसरा फेंका, 3 सेकंड बाद चौथा फेंका, और चौथे सेकंड में वो जो सबसे पहले फेंका था वो नीचे आ गया। इमेजिन करने का ट्राई करो, एक हवा में 1 सेकंड बाद दूसरा फेंका, उसके 1 सेकंड बाद 2 सेकंड में तीसरा फेंका, उसके 1 सेकंड बाद 3 सेकंड में चौथा फेंका, और उसके 1 सेकंड बाद, मतलब 4 सेकंड में जो सबसे पहले फेंका था वो नीचे आ गया, क्योंकि उसका मोशन का टाइम 4 सेकंड है ना, और फिर वो भी फेंक दिया, तो एक सिमेट्री मेंटेन हो गई, सिमेट्री मेंटेन हो गई। समझ में आ रहा है क्या, जगलिंग अगर आपको करना है तो एक प्रॉपर सिमेट्री, एक प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए सब बॉल्स को आपको जगल करने के लिए। तो वही क्वेश्चन था कि जगलर मेंटेन कर रहा है 4 बॉल इन मोशन, मेकिंग ईच ऑफ देम राइज टू हाइट ऑफ 20। सबकी टाइम 4 आ रही है, क्योंकि उसकी हाइट कितनी है 20। ठीक है, तो वहां से सबकी स्पीड जो है, सबकी इनिशियल स्पीड जो है वो 20 है,
सबकी इनिशियल स्पीड 20 है, तो वहां से सबका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है 4 सेकंड का, मतलब ये जो बॉल ऊपर जा रहा है ये नीचे आएगा, ठीक है, ये नीचे आएगा अपने पास में 20 में, ठीक है। या तो आप ऐसे टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लो, या फिर आप कुछ और तरीके से भी टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हो, जैसे जैसे आप s इक्वल टू ut प्लस r2 स्क्वायर से भी टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते थे, ठीक है। s इक्वल टू ut प्लस r2 स्क्वायर से आप क्या करोगे, s की वैल्यू लोगे आप 20, या फिर आप v इक्वल टू u प्लस 80 से भी निकाल सकते हो, ठीक है, v इक्वल टू u प्लस 80 से भी निकाल सकते हो। v कितना है 0, u कितना है 20, ठीक है, a की वैल्यू माइनस जी मतलब कि माइनस 10 इंटू टाइम कितना होगा t, तो t कितना होगा 2 सेकंड, मतलब नीचे से ऊपर जाने का टाइम हो गया 2 सेकंड, नीचे से ऊपर 2 सेकंड, फिर ऊपर से नीचे आएगा 2 सेकंड, तो 2 प्लस 2 4 हो जाएगा, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट ऊपर से नीचे तक क्या होगा, नीचे से पूरा ऊपर जाके नीचे 4 हो जाएगा। या तो आप टाइम ऑफ फ्लाइट यूज करके आप निकाल सकते हो, या फिर आप इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज करके वी को डिफ्रेंस करते हैं, यहां से यहां तक टाइम निकाल ले, फिर वहां से यहां तक वापस से 2 प्लस 2 हो जाएगा, भाई यहां से ऊपर जाने में जितना टाइम लगा ऊपर से नीचे आने में सिमेट्री के लिए उतना ही टाइम लगेगा, तो 2 प्लस 2 अपने पास में 4 हो जाएगा, ठीक है। अब एक एक का मोशन के लिए 4 सेकंड लग रहा है और अपन को चार चार के साथ जगलिंग करनी है, तो हर एक के बीच में स्पेसेस 1 का होना चाहिए, ठीक है। वापस से इमेजिन कर लो, एक फेंका, ठीक है, टाइम स्टार्ट हो गया, 1 सेकंड बाद दूसरा, 2 सेकंड में तीसरा, 3 सेकंड में चौथा, फिर 4वें सेकंड में जो सबसे पहले फेंका था वो नीचे आ गया क्योंकि उसका 4 सेकंड कंप्लीट हो गया, वो जैसे ही आया फिर 4वें सेकंड में उसको भी फेंक दिया, तो 4 सेकंड में मोशन कंप्लीट करना है हर एक का, फिर ऐसे करते रहेंगे करते रहेंगे, एक एक सेकंड में फेंकते रहेंगे और स्पीड से फेंकते रहेंगे, 20 के स्पीड से फेंकते रहेंगे, सारा 20 हाइट जाता रहेगा और ये पूरा एक सिमेट्री मेंटेन होगा, ठीक है ना। तो यू नो ये जो अपने पास में है कि प्रॉपर डिस्टेंस, ये प्रॉपर डिस्टेंस का मतलब इक्वल डिस्टेंस नहीं है, ये प्रॉपर डिस्टेंस का मतलब है कि ऐसा इस तरीके से वो मेंटेन हो कि अपने पास में प्रॉपर टाइम इंटरवल में वो फेंका जा रहा है, एक सिमेट्रिकली वो फेंका जा रहा है, ठीक है। बाकी तो बस यही बात है, अगर आपको पसंद आएगा आपने सीखा होगा, अगर आपने सीखा है तो लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, बने रहिए।